गाइज वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और जो इंतज़ार आप लोग कर रहे थे और हम भी बहुत दिनों से उस चीज़ का वेट कर रहे थे, वो चीज़ फाइनली हो चुकी है। मतलब अभी ऑन द वे है, पर हमें पता है, आपको पता है, वो होने वाली है, तो आज वो होके रहेगी। तो आज तो कार में है, इसकी वजह से बारिश कितनी भी आ जाए कोई टेंशन नहीं है हमें। और थोड़ी देर में हर्षल भी अपने साथ ज्वाइन होने वाला है। हम ऑन द वे है, हर्षल को कॉल करके रखा है, वो भी हमें ज्वाइन कर लेगा बीच में। ड्रोन परचेस करने के बाद, परचेस तो कर लिया है, सिर्फ उठाना है हमें निखिल के घर से। तो ड्रोन लेने के बाद हम जाएंगे एक नर्सरी, वहाँ से हमें मैंगो प्लांट्स उठाने हैं, उसके बाद सीधा घर को जाएंगे और ड्रोन की प्रैक्टिस शुरू करेंगे, क्योंकि पूरा ड्रोन सीखना पड़ेगा, हमें कुछ आता नहीं है। ड्रोन कैसे चलाना है उसके बारे में थोड़ा सा निखिल से डिस्कस करेंगे, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अच्छे तरीके से पूछ लेंगे। तो आप सिनेमैटिक्स एंजॉय करिए, बी रोल्स एंजॉय करिए, तब तक आपको मैं मिलूंगा डायरेक्टली हर्षल को मिलने के बाद। तो ये रहा हर्षल, यहाँ पर खड़ा है बस। तो अभी फिलहाल तो निखिल भाई के घर पर आ चुके हैं। ये रहा निखिल, तो बहुत कुछ सीखना है उससे, तो आपको वो ब्लॉग में दिखता रहेगा। तो निखिल से थोड़ा बातें करते हैं और मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। तो बहुत देर बातें चली और ड्रोन फिलहाल के लिए तो सीख लिया है, मतलब ऊपर नीचे तो कर ही सकते हैं। और अभी टाइम है गुड बाय कहने का निखिल को, क्योंकि हाँ, क्योंकि अभी प्लांट्स भी लेने जाना है, तो आगे का काम तो करना पड़ेगा ना आज के दिन के लिए। तो मिलेंगे किसी मोड़ पे, क्योंकि अभी प्लान से आपको जैसे बताया कल के ब्लॉग में कि आगे भी ट्रेकिंग का प्लान है, तो होप जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए और हम भी एक आधा ट्रेक तो कर ही लेंगे। चलो निखिल भाई मिलते हैं। तो यहाँ पर थोड़े से आम के पेड़ भी लेने हैं हमें, क्योंकि फार्म हाउस पे लगन है। तो यहाँ पर आए, देखते हैं कौन सा लेते हैं, आपको बताएंगे जल्दी ही। तो ये बहुत बढ़िया वाली नर्सरी है, यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज है, पर मेनली हमें केसर ही लेना है, तो वही लेंगे आज। और ये रहा इंडोर प्लांट्स का सेशन, देखते हैं कुछ अच्छा लगा तो ये भी खरीद लेंगे एक दो। मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक ख्याल में नहीं है कि यही लेना है, पर कुछ अच्छा लगा तो ले भी लेंगे। ये रहा अपना ड्रोन का बॉक्स, आपको जैसे कि दिख रहा होगा। हाँ, अब क्लियर है। मतलब काफी लोगों ने ऑलरेडी
ड्रोन का बहुत सारे अनबॉक्सिंग देखे होंगे क्योंकि ये ड्रोन लॉन्च होके बहुत दिन हो गए थे, पर अपना बजट उस वक्त नहीं था और कैमरा भी हमने अभी लिया है। मतलब मैं अभी M50 से शूट कर रहा हूँ वाइड एंगल लेंस से जो कि कैमरे के साथ आती है। तो आपने बॉक्स तो देख ही लिया, आपको पता ही होगा ड्रोन के अंदर भी क्या है, पर कैसा है कुछ रीति रिवाज होते हैं उस हिसाब से हम अनबॉक्सिंग करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है बॉक्स दिखाना, तो हमने वो भी कर लिया। तो उसमें क्या क्या आता है वो दिखाता हूँ, वेट करो। मेन चीज तो है ये ड्रोन, क्योंकि हमने कॉम्बो सेट लिया है तो ये उसके साथ ये स्टैंडर्ड बैग आता है ड्रोन को रखने के लिए। बॉक्स में क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। बॉक्स में ये इसमें है एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स, इसमें है स्क्रू ड्राइवर, और जो ये बड़ा बॉक्स है वो है लेग्स प्रोटेक्टर। मतलब अभी हम तो बिगिनर मोड पे ही शुरू करेंगे ड्रोन उड़ाना, तो बिगिनर्स के लिए ये बॉक्स में जो किट है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये जो प्रोपेलर गार्ड्स है ये लगा के उड़ाना मस्ट। मतलब एक बार भी ड्रोन क्रैश हो गया विदाउट प्रोपेलर गार्ड्स के तो भाई साहब गया आपका ड्रोन, आपको लेग्स चेंज करने ही पड़ेंगे। लेग्स चेंज करने की नौबत नहीं आती तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नौबत आ गई तो भाई साहब लेने के देने पड़ जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम प्रोपेलर गार्ड लगा के फ्लाई करेंगे। अब फ्लाई कब करते हैं ये भी मुझे पता नहीं, क्योंकि यार मैं मेरे एरिया में रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पर बहुत बिल्डिंग्स है और मुझे उड़ाने आता तो कहीं कभी तो चलेंगे एक आधा फ्री ग्राउंड ढूंढ के वहां पर जाके बढ़िया तरीके से हम ड्रोन उड़ाएंगे। और अभी मैं दिखाता हूँ ड्रोन में क्या क्या है। तो मैं बॉक्स खोल के दिखाता हूँ आपको इसमें क्या क्या आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मिलेगा, पहले तो हमें मिलेगा ये ड्रोन DJI Mavic Mini 2, नहीं Mavic Mini, तो ये रहा ड्रोन। उसके बाद ये स्टैंडर्ड रिमोट कंट्रोल, तो कॉम्बो की सबसे बढ़िया चीज ये बैटरी बैकअप। मतलब इसमें तीन बैटरी हमें मिलेगी, तो एक बैटरी लगभग 20 to 25 मिनट चल जाती है, मतलब 40 मिनट्स का अपने पास बैकअप हो चुका है। तो देखते हैं। उसके बाद केबल्स वगैरह बहुत सारी चीजें मिलती है, वो आप जो स्पेशल रिव्यू करने वाले लोग हैं उनके चैनल पर आप देख लीजिएगा। तो बस यही था आज के लिए, मिलते हैं किसी बढ़िया से व्लॉग में। बढ़िया से मतलब इसके नेक्स्ट वाला व्लॉग होगा अपना फर्स्ट फ्लाई ऑफ द ड्रोन। मतलब मैंने ट्राई करके देखा है, एक दो बार उड़ा तो चुके हम, पर फिर से आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे फर्स्ट फ्लाई का एक्सपीरियंस क्या रहता है। मैंने एक दो ग्राउंड देख के रखे, वहां पर हम बिंदास ड्रोन उड़ा सकते हैं बिना किसी मुश्किली के। तो वहां पर जाके जल्द ही ड्रोन उड़ाएंगे। और हाँ, हमने जो आज आम के पेड़ लिए है वो भी हमें प्लांटिंग करना है, तो वो भी दिखाएंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में कि कैसे हम प्लांट्स करते हैं, कहाँ पर उसे प्लांट करना है। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो MS17 व्लॉग्स को। और बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। दिस इज अनुराग साइनिंग ऑफ।